काम करने में ग्रुप में डाल दूँ, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने वीडियो मुलाहिज़ा की होंगी जिसमें आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद आवाम का एक जम गफीर, आवाम का समंदर बाज़ारों में उमड़ आया। ऐसा लग रहा है कि आवाम काफ़ी अरसे से कैद थे और उनको जैसे ही उनको रिहाई मिली तो उन्होंने बाज़ारों का रुख किया। हुकूमत को जो SOPs थे, हुकूमत की जानब से जो SOPs दिए गए थे उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। जो समाजी रबते का जिक्र किया गया था कि उसको फॉलो करें ताकि कोरोना वायरस की वबा से बच सकें, लेकिन आवाम ने उसकी धजियाँ बिखेर दी हैं। इसका अमली नमूना आप वीडियो में देख चुके हैं। कोरोना वायरस की जो वबा है, इसके केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब ये लॉकडाउन था तो केसेस की तादाद बिल्कुल कम थी, रमज़ान से कबल केसेस की तादाद बहुत कम थी। दिन के आप कह सकते हैं कि 150, 200, 250 केसेस रिपोर्ट होते थे, लेकिन रमज़ान की आमद के बाद इन केसेस की तादाद में जो है वो इजाफा देखा गया। अब लॉकडाउन खुल गया, लॉकडाउन में नरमी हो गई तो इन केसेस की जो तादाद है उसमें बतदरीज इजाफा होता गया है कि केसेस डेली की बुनियाद पर 2000 केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं और तकरीबन डेली की जो हैं वो 20 से 24 डेथ्स हो रही हैं। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हुकूमत को ये तमाम तर चीज़ें मद्देनजर रखना चाहिए थी कि अगर हम नरमी करते हैं लॉकडाउन में तो ये जो सूरत हाल है वो वर्स होती जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे, लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। अगरचे बाज़ार खुल गए हैं, अगरचे दुकानें खुल गई हैं, तो कम अज़ कम SOPs को तो फॉलो किया जाए। ये हुकूमत का बताने का काम होता है। हुकूमत डंडे के जोर पर आपके सर पर रख कर वो खड़ी नहीं हो सकती। आपका अपना काम है कि अपनी जान बचाएं, दूसरों की जान बचाएं, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं है। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये एक मिथ है, एक ड्रामा है, कोरोना वायरस कोई नहीं है, बस वो एक ओजोन लेयर का कुछ ऐसा है, टकराव है, पोल्यूशन कम करने के लिए WHO ने कहा है। तो ये एक मुख्तलिफ किस्म की जो थ्योरियाँ हैं, मिथ पाई जा रही हैं कि कोरोना वायरस का एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, लोगों को मारा जा रहा है। तो ऐसी एक कहानी एक गढ़ी गई है, कोरोना वायरस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन वो लोग जो कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, उनसे कोई पूछे कि कोरोना वायरस होता क्या है और किस तरह लोग सफ़र करते हैं, किस तरह उनके अजीज़ व कारब सफ़र करते हैं, तो खुदा रहा हुकूमत ने अगर आपको आपके कारोबार खोलने की इजाज़त दी है, अगर चे जहाँ तक WHO ने इसकी मुखालफत की है कि नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। और आपने देखा होगा दुनिया में तब लॉकडाउन में नरमी की गई है कि जब केसेस डाउन हो रहे थे, कोरोना वायरस की जो मरीज थे उनके केसेस में कमी आ रही थी, तब लॉकडाउन में नरमी की जा गई है। लेकिन पाकिस्तान में सिचुएशन जो है वो उल्ट है कि पाकिस्तान में तब लॉकडाउन में नरमी की गई है जब केसेस बढ़ रहे थे। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि दिन के 2000 केसेस सामने आ रहे हैं और डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है वो सबसे ज़्यादा विक्टिम हैं इसका। और खुदा रहा अपना ख्याल रखिए, अपने लिए SOPs को फॉलो करें, दूसरों के लिए SOPs फॉलो करें। और ये जो पाकिस्तानी आवाम की एक अजीब सी एक आदत है कि छींकना भी दूसरों के मुंह पर है, खांसना भी दूसरों के मुंह पर है, दूसरों के सामने थूकना है, तो इससे खुदा रहा इससे थोड़ा पीछे हटे और अपनी आदत को चेंज करें। दूसरों की तकलीफ का बायस ना बने। कारोबार खोलें ज़रूर, अपने दुकानें खोलें, अपना कारोबार करें, लेकिन SOPs को फॉलो करें। वो SOPs जो हुकूमत ने दिए हैं, आपका इससे आपका अपना भी फ़ायदा होगा और हुकूमत को भी आसानी होगी। अगर आप इन SOPs को फॉलो नहीं करेंगे और अगर ये तादाद और केसेस बढ़ते गए और अगर ये डेथ्स का जो डेथ डेली की बुनियाद पर हो रही हैं डेथ्स,
उनका जो तनासब है वो बढ़ता गया, तो ये ना हो कि सूरत हाल लॉकडाउन से बढ़ते बढ़ते जो है वो कर्फ्यू तक जा पहुँचे, क्योंकि सूरत हाल तो ये लग रहा है जिस सिचुएशन से लोग जिस तरह से लोग बाज़ारों की तरफ रुख कर रहे हैं, कोई समाजी फासला नहीं रख रहे, मुँह पर अक्सर ने मास्क नहीं पहने और हाथ तो ऐसे अक्सर धोते नहीं हैं, और कुछ तो इसको समझते नहीं है कि बीमारी है। अगर अगर आपने SOPs को फॉलो नहीं किया तो जो आपने अभी कारोबार खोले हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके कारोबार खुले रहे, ये ना हो कि अगर आप SOPs को फॉलो नहीं करें तो ये दिन देखना पड़े कि जो नौबत है वो कर्फ्यू तक जा पहुँचे। जिन लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है वो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल भी सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हम आपके खिदमत में ऐसी वीडियोस और भी लोग लाते रहेंगे जिससे आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो और जिससे आपको आपकी जो है वो नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।